कश्मीर के करमाला सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा। ये तीनों 30 मई की रात खराब मौसम और बारिश का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने फेसिंग क्रॉस कर रहे तीनों आतंकियों पर फायरिंग की। सेना ने इनके पास 10 किलो IED AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद किया है। फायरिंग में घायल एक आतंकवादी का पुंछ के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ के गुलपुर इलाके में करमारा गांव में नियंत्रण रेखा पर सेना ने संदिग्ध गतिविधि देखी। इसके बाद रात करीब 4 बजे जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना की तरफ से एक संदिग्ध आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घुसपैठे को पैर में गोली लगी। फायरिंग में सेना का एक जवान भी घायल हुआ। इनके पास AK राइफल, 2 पिस्टल, 6 ग्रेनेड, प्रेशर कुकर में रखा एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और हेरोइन के 20 पैकेट बरामद हुए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।